हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान होम्योपैथी में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों में होने वाली एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम मम्स बोलते हैं या फिर पैरोटिड ग्लैंड की सूजन। मतलब बच्चों को कान के नीचे यहाँ पे मोटी मोटी गांठें हो जाना और यहाँ पे स्वेलिंग आ जाना, और ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब भी बच्चों को फीवर आने वाला होता है या फिर ड्यूरिंग फीवर बुखार के चलते चलते ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक इन्फेक्शन की वजह से होती है और हमारी पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। एक साइड भी आ सकती है और दोनों साइड भी आ सकती है। तो दोस्तों, इसमें मैं केवल एक्यूट केस के लिए मेडिसिन बताऊंगा। एक्यूट केस मतलब जैसे 2-3 दिन ही हुए हैं तो आपस में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। सिंपली एलोपैथिक में आप पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं, साथ में कोई एक एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की परामर्श से। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं या फिर आप होम्योपैथिक ही यूज़ करते हैं तो आप होम्योपैथिक की मर्क सोल 30 पोटेंसी में 5-5 बूंदें दिन में 3-4 बार थोड़े से गुनगुने पानी में डालकर आप इस मेडिसिन को दें, और ये मेडिसिन आप केवल 2-3 दिन दें, आप देखेंगे वो स्वेलिंग भी ठीक हो गई है और फीवर भी ठीक हो गया है। और इसमें आपको परहेज करना है, बच्चे को परहेज करना है कि उसको खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, ठंडी नहीं खानी है, जैसे आइसक्रीम और सॉस वगैरह जो होती है इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। जितनी ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं स्वेलिंग बढ़ जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन ग्रोथ कर जाता है खट्टी चीज़ों की वजह से। तो दोस्तों, आप ये मेडिसिन लें, आपको 100% रेट मिलेगा। तो दोस्तों, तो मेरा शॉर्ट वीडियो, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।